नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं संगम टीवी। मैं हूं आपके साथ अजय प्रजापति। देखेंगे भ्रष्टाचार मुक्त भारत और कमाल के प्रदेश उत्तर प्रदेश के। आज हमीरपुर जनपद में हम मौजूद हैं, जहां पर देखा जा रहा है नमामि गंगे के द्वारा यहां जो परियोजना चलाई जा रही है, जो सबसे बड़ी परियोजना है जिसमें लाखों करोड़ों घरों तक पानी पहुँचाने का जो एक संकल्प लिया गया था, उस संकल्प को पूरा करते हुए यहाँ के अधिकारी और तमाम जो है जनप्रतिनिधि और नेता और संबंधित जो शीर्ष नेतृत्व के लोग नजर आते हैं। लेकिन उस कार्य को किस तरीके से किया जाता है, इस मीना गांव में बन रही जो ये नमामि गंगे द्वारा बन रही टंकी जो है साबित कर चुकी है। जैसा कि बताया जा रहा है, कुछ ग्रामीणों का आरोप है कि यहाँ पर जो जीना जो इस टंकी का बनाया जा रहा था, जो सीढ़ियां बनाई जा रही थी, उस सीढ़ियों पर जो है दरार आ गई थी और कुछ सीढ़ियां गिर गई थी, तो जिसे लेकर के सारी सीढ़ियों का तोड़ने का कार्य जो है आज किया जा रहा है। यानी कि आप साफ तौर पर देख लीजिए, भ्रष्टाचार मुक्त भारत के में आप जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं तो वो लोग देखें कि इस भारत में जो है भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ में जो कार्य करने के निर्देश दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो भ्रष्टाचार साफ तौर पर नजर आता है कि हैंडओवर होने के पहले, उद्घाटन होने के पहले ही जो है उस कार्य योजना का जो है धड़ाम हो जाती है। और देखेंगे पूरी जो टंकी बनकर के अभी कंप्लीट नहीं हुई, और देखिए मैं दिखाऊंगा, अभी यहाँ पर कुछ वर्कर लगे हुए हैं जो लेबर मिस्त्री हैं, उनके द्वारा लगातार कार्य किया जा रहा है और कार्य अंदर का जो फिनिश कर दिया गया था, जो टंकी बना दी गई थी, सीढ़ियां बना दी गई थी और जो बाहर की वॉल पेंटिंग थी वो उसका कार्य बाकी है, और जो छपाई का कार्य बाकी वो अभी किया जा रहा है, वो कार्य पूरा नहीं हो पाया और इससे पहले ही जो सीढ़ियां टूट गई, ऐसे ग्रामीणों का आरोप है। लेकिन बातचीत करने का प्रयास करेंगे, कुछ ग्रामीण हमारे साथ में, इसके साथ साथ जो इंजीनियर हैं उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। क्या जो उन इंजीनियर के द्वारा जो ये मानक तैयार किया गया है, जिस मानक के अनुरूप ये बनाया गया है, तो क्या सही जो है उसकी क्या एक समय सीमा होती है, क्या इतने दिन में ही उसे टूट जाना चाहिए, ये क्या जो है कितने समय तक चलना चाहिए, सारे जो है सवालों के जवाब इंजीनियर साहब देंगे, जो खुद के घर में रह रहे होंगे, शायद वो सैकड़ों वर्ष पुराना हो चुका होगा लेकिन उसमें एक दरार तक नहीं आई होगी। लेकिन यहाँ पर जो देखा जा रहा, अभी 2 से 4 महीने ही हुए होंगे जीना को बने हुए और जीना आज जो धरा सही हो गया, टूट गया। भैया हमारे साथ में, किस गाँव से हैं आप? मैं उना से। जो आपके गाँव में टंकी बन रही है लगभग कितने वर्षों से बन रही है? 2.5 साल के आसपास हो गया इसको बनते बनते। लगातार कार्य चल रहा है? कार्य चलता रहा है, बीच में थोड़ा बहुत ब्रेक होता रहा है। ब्रेक भी होता रहा, कार्य चलता भी रहा, यानी कि जो है गांव में पानी पहुंचाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। जी जी, शासन की मंशा के अनुसार, मंशा के अनुसार सर लगातार कार्य। आज क्या है जो सूचना आई थी कि बोले ये सीढ़ियां हैं, वो सीढ़ियां गिर गई हैं, कैसा क्या? ये सीढ़ी बनी थी, इसके तुरंत बाद जो है 2-4-6 दिन बाद ये आधी ऊपर से आधी टूटी हुई थी, अपने आप टूट के गिर गई थी। इसके बाद इंजीनियर साहब आए थे तो इसको जो है पूरी नीचे से फेल कर गए थे, तो इसको तोड़ा गया है बाद में। और आप जो देखे होंगे ये 4 पोल ऊपर खड़े हुए हैं, तो नीचे से पोलों में जो है पुलाव है और जो बीच बीच में खुदरे टूटे हुए हैं, जिनके मतलब ज्यादा से ज्यादा ये 4 साल के ऊपर टंकी नहीं जाएगी। इस टंकी से 5 गाँव के लिए पानी सप्लाई होनी है, और इस तरीके से यदि 5 गाँव के लिए पानी, टंकी सप्लाई के लिए पानी हो जाएगा तो आप जो चल नहीं पाएगी ज्यादा दिन, अपने आप से गिर जाएगी, इतना कमजोर काम हुआ है। क्या लगता है ज्यादा वेट नहीं सह पाएगी? ज्यादा वेट नहीं सह पाएगी, क्योंकि उसके जो नीचे से ही पोल उसके कमजोर है, तो ऊपर का तो और भी कमजोर है, खुदरा टाइप का है, इसलिए काम उसका सही नहीं हो रहा है मानक के हिसाब से। क्या लगता है जो देखा जा रहा है कुछ ही दिनों में, अभी उद्घाटन नहीं हुआ और कार्य चलते चलते जो धराशायी होने लगी, इसमें धांधली है और क्या है? ठेकेदारों के प्रति गोल बोल काम करना, कम सीमेंट वगैरह मानक कम करना, बस यही है, इसकी वजह से कमजोरियां हो गई। सरकार कहती है भ्रष्टाचार मुक्त भारत बना देंगे और कहीं भी भ्रष्टाचार नहीं रहेगा, तो लगता नहीं है इसमें? नहीं तो भ्रष्टाचार सामने ही दिख रहा है ना, जिसकी नमामि गंगे योजना इतनी बड़ी प्रोजेक्ट है तब भी धराशाय हो गया। बिल्कुल सही है, और इस परियोजना को जो है लागू करने के लिए लगातार प्रयास दिया जाता है, जो भी यहाँ के एडीएम है, एडीएम भी लगातार प्रयास करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह सामने आती है कि जो कार्य पूरा होने के पहले ही जो है ये टंकी के जो सीढ़ियों का टूट जाना कहीं ना कहीं एक जो है बड़े भ्रष्टाचार की पोल खोलता नजर आ रहा है। क्या लगता है, जैसे कि लोकसभा चुनाव लगा है तो ऐसे कार्य जो सामने आ रहे हैं, ऐसी कमियां निकल के आ रही हैं सरकार की, तो क्या लगता है? तो इसमें सरकार को ध्यान देना चाहिए ना कि बहुत सारी कमियां हो रही, हमारा ही काम दिया हुआ है, हमारे ही काम में धांधली हो रही है। प्रधानमंत्री जी की कार्य योजना नमामि गंगे के बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, और अभी तक गांव में पानी की अभी सप्लाई नहीं चली हुई है, ना गड्ढे मुक्त हुए हैं गांव में, और अभी तो काम छोड़ जाते हैं 4-4 महीने काम छोड़ के फिर दूसरी जगह करने लगते हैं, गाँव में निकलने में बहुत दिक्कतें होती है। कैसा क्या करें, गल्ला पानी नहीं आ पा रहा, कहीं ट्रैक्टर गप जाते हैं, कहीं किस वजह से? यही के लिए
गड्ढे की वजह से काम गड्ढे क्यों हुए? ये तब से पाइपलाइन पड़ी तब से काम ही नहीं कर रहे हैं। दो दिन करते हैं, 8 दिन नहीं आते हैं। इसके बाद क्या किया जाए, किसान लोगों को सब ज्यादा दिक्कत हो रही है इससे। सही बात है, जो नमामि गंगे के द्वारा जो घर घर पाइपलाइन डालने के लिए जो लाइनें खोदी गई थी, जो नालियां बनाई गई थी जो पाइपलाइन डालने के लिए, तो उसमें जो है सही से मिट्टी नहीं डाली गई और जो उसे बंद नहीं किया गया, जिसके चलते उसमें जो है बराबर गाड़ियां फंसती हैं। इसलिए तो बराबर हो रही। अब लेप पूत के चले जाते, अपना नाम कर दिया देखिए बस। जी टंकी का जो ऊपर का हिस्सा है दिख रहा होगा, इसमें एक बार ट्राई करने के लिए कि पानी रुकेगा कि नहीं किया था, तो ये पूरी रिसाव करती है, लीकेज कर रही है टंकी। अच्छा, लीकेज करती है पूरी टंकी, लीकेज कर रही है मतलब नीचे से पूरी लीकेज कर रही है। इसको जो है उन्होंने चेक किया था, छेद है उसमें। अच्छा, पूरा पानी भरा गया था तो निकल रहा है, नीचे नीचे टपक रहा है, इसमें पानी डस रहा है, पानी डस रहा है पूरा, देख लीजिए अपना पूरा पानी डस रहा है। अब सोच लीजिए आप, जो गांव के लोग हैं जो लगातार देखते हैं कि इसमें जो है पानी भरा गया था, इसे चेक करने के लिए तो लगातार जो है देखा गया कि टंकी में जगह जगह से रिसाव थे और टंकी जो है बिना खाली किए खाली हो गई। खाली हो गई थी पानी सब। क्या लगता है ये 5 गांव की जनसंख्या जो प्यासी है उसे उसकी प्यास बुझा पाएगी? ऐसे में तो नहीं बुझा पाएगी, ऐसे में तो प्यासा ही रह जाएगा, प्यास बुझेगी कहां से जब पानी नहीं रहेगा, रुकता है उसमें नीचे चला जाता है तो पानी आगे कैसे सप्लाई होगा। तो कहीं ना कहीं ये जो योजना है, जो परियोजना है इतनी महत्वाकांक्षी जो है, तो ये धराशायी हो रही है। हाँ, धराशायी हो रही है, योजना बहुत अच्छी, लेकिन जो नीचे लोग काम कर रहे हैं उसमें जो धांधली हो रही है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये नमामि गंगे की जो परियोजना है ये ग्राम मिहुना में धराशायी होती देखी जा रही है और कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है। भैया है, क्या कहेंगे इस टंकी को लेकर के जो बन रही है? अरे ये नहीं चल पाएगी टंकी, ऐसा कह रहे हैं पूरी पूरी बह रही है तो कहाँ से चलेगी बता, पूरा पानी बह रहा है। अच्छा, पूरा भरा गया पानी बह रहा है, पूरी एक नहीं रहा पानी, रुक ही नहीं रहा। तो बनाया है किसी उसमें बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े छेद हैं। अच्छा, जब ये टंकी बनाई गई होगी कहीं ना कहीं कोई इंजीनियर साहब तो इसमें रहे होंगे जिनकी सैलरी भी अच्छी खासी रही। अब बहुत लोग रहे हैं, है ना, तो फिर ऐसी कमियां आ जाती हैं तो इस पर आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, लापरवाही कहेंगे या भ्रष्टाचार? कहीं ना कहीं लापरवाही और भ्रष्टाचार ही कहा जाएगा। और हम उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे क्योंकि ये इतनी बड़ी जो टंकी बन रही है, जो टंकी एक उम्मीद के साथ में बनाई जा रही है कि 5 गांव की जो जनसंख्या है उसकी प्यास बुझाएगी। अब ये प्यास बुझा पाएगी नहीं बुझा पाएगी, अब वो देखने वाले समय पर जो है, आगे आने वाले समय पर जो है इसका जो है नतीजा देखने को मिलेगा। और इससे पहले हम जो है जो भी इंजीनियर है उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे, जो एडीएम है उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे, आखिरकार इतनी बड़ी लापरवाही क्यों की जा रही है। क्योंकि एक बार मैं फिर से दिखाना चाहूंगा, देखेंगे जो है काफी बड़ा एरिया है, जो ये जीएस की जमीन है, ग्राम पंचायत की, ग्राम समाज की ये जमीन है, इस जमीन को जो है घेराव करके यहाँ पर जो है एक टंकी का निर्माण किया जा रहा है, जो लाखों करोड़ों रुपए की इसकी जो है लागत होगी टंकी के, इसका हम जो लागत है वो भी जो है निकाल करके आपको बताने का प्रयास करेंगे। और इसमें जो है इतनी लागत से जो निर्माण कराया जा रहा है कितने दिनों तक चलने वाला है ये आपके सामने आप ही देखिएगा। और इस पर आप क्या राय देते हैं कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर साझा करें। अजय प्रजापति, संगम टीवी, हमीरपुर।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं।